और वहीं सीट शेयरिंग पर समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने बड़ी बात कही है। उन्होंने राहुल की यात्रा से पहले इंडी गठबंधन में सीटों का बंटवारा हो जाने की उम्मीद जताई। अभी तो ये कांग्रेस की ही यात्रा है और हमें उम्मीद है कि जितने भी विपक्ष के दल हैं, जिसमें बंगाल में मुख्यमंत्री जी आदरणीय ममता बनर्जी जी, बिहार और जितने भी देश के दल हैं जो कांग्रेस पार्टी के साथ गठबंधन करके लड़ना चाहते हैं, हमें उम्मीद है यात्रा से पहले उन्हीं सभी प्रदेशों की सीट का बंटवारा हो जाएगा, जिससे लड़ाई और मजबूती से लड़ी जा सके। और इंडी गठबंधन में सीट शेयरिंग पर मची खींचतान को लेकर बीजेपी ने विपक्षी दलों पर तंज कसा है। बीजेपी नेता रविशंकर प्रसाद, गिरिराज सिंह और तरुण चुघ ने अपने अपने अंदाज में इंडी गठबंधन पर तंज कसा है। तो वहीं एनडीए के सहयोगी दल एलजेपी, रामविलास गुट के अध्यक्ष चिराग पासवान ने भी सीट शेयरिंग को लेकर गठबंधन दलों पर तंज कसने में वो पीछे नहीं रहे। रविशंकर प्रसाद ने कहा कि 2 महीने इनकी नौटंकी चलेगी और देश देखेगा, जबकि गिरिराज सिंह ने कहा कि राहुल गांधी को गठबंधन पर भरोसा नहीं है। वहीं तरुण चुघ ने इंडी गठबंधन पर तंज कसते हुए कहा कि ये मुंगेरी लाल का सपना है जो पूरा होने वाला नहीं है। और बड़ी खबर आपको बता दें, इंडी गठबंधन में छिड़े सियासी घमासान के बीच दिल्ली में आज से 3 दिनों तक कांग्रेस की नेशनल अलायंस कमेटी की बैठक शुरू होने जा रही है। और इस बैठक में इंडी गठबंधन के सहयोगी दलों के साथ लोकसभा चुनाव लड़ने और सीट शेयरिंग के फॉर्मूले पर चर्चा की जाएगी। सीट शेयरिंग पर चर्चा के लिए कांग्रेस ने सबसे पहले आरजेडी को बुलाया है और इस वक्त मुकुल वासनिक के आवास पर कांग्रेस और आरजेडी के बीच एक बैठक चल रही है। और इस बैठक में मुकुल वासनिक के साथ अशोक गहलोत और सलमान खुर्शीद भी शामिल हैं। तो बड़ी अपडेट आपको बताएं, इंडी गठबंधन में सियासी घमासान के बीच दिल्ली में आज से 3 दिनों तक कांग्रेस की नेशनल अलायंस की कमेटी की बैठक शुरू हो चुकी है। और सीट शेयरिंग पर कांग्रेस का किन दलों के साथ पेच फंसा हुआ है, जिसको वो अपनी इस नेशनल अलायंस कमेटी में सुलझाने की कोशिश करेगी, आइए आपको इन्फॉर्मेशन वॉल के जरिए बताते हैं। कांग्रेस के सामने इस वक्त 4 मजबूत क्षेत्रीय पार्टी हैं, पश्चिम बंगाल की टीएमसी और उत्तर प्रदेश की समाजवादी पार्टी। साइकिल पर कौन कितनी सीटें लेकर बैठेगा ये तय करना है। और इसके बाद जेडीयू बिहार से, आम आदमी पार्टी दिल्ली में, ये 4 ऐसी पार्टियां हैं जिन पर पेच फंसा हुआ है, जिन पर अब सहमति बनाई जानी है कि सीट शेयरिंग को कैसे होगी, संयोजक किसे बनाया जाएगा और लीड कौन करेगा।